दुनिया को खत्म करने की बात करने वाला नसरुल्ला आज इसराइल ने घर में घुसकर उड़ा डाला। मोदी के दोस्त इसराइल ने ले लिया ऐसा बदला, हिल गई पूरी दुनिया। 3 सेकंड में निपट गया हिजबुल्ला का चीफ नसरुल्ला। हसन नसरुल्ला भी मारा गया, इसराइल ने उड़ा दिया हेडक्वार्टर तो हिजबुल्ला के उड़ गए होश। एक खबर से हिल गई दुनिया, मुस्लिम देशों में मच गया हड़कंप। जी, मोदी के दोस्त इसराइल की सेना ने हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्ला के मरने की पुष्टि कर दी है। ये लेबनान के हिजबुल्ला के लिए बहुत बड़ा झटका है। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में कई हवाई हमले किए थे। हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ था जिसमें हसन नसरुल्ला के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजरायली धमाकों के बाद हिजबुल्ला ने हसन नसरुल्ला के मारे जाने को नहीं माना। ऐसी रिपोर्ट्स आती रही हैं कि हसन नसरुल्ला जिंदा है। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने कहा था कि उन्होंने जो बम गिराए हैं उसमें नसरुल्ला का जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अब इजरायली सेना ने एक ट्वीट करके बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है। इजरायली सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हसन नसरुल्ला दुनिया को आतंकित नहीं कर पाएगा। हसन नसरुल्ला का मारा जाना इजरायल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि ईरान हिजबुल्ला के बहाने ही इजरायल पर दबाव बनाता था। नसरुल्ला की मौत से पहले हिजबुल्ला के कई टॉप कमांडर्स को इजरायल ने ढेर किया था। वहीं लगभग 2 महीने पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया को भी ईरान में इजरायल ने ही मार गिराया था। शनिवार की सुबह तक हसन नसरुल्ला के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन इससे पहले इसराइल ने कई हिजबुल्ला कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की थी। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने कहा था कि हवाई हमले में दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला की मिसाइल यूनिट के कमांडर आतंकवादी मोहम्मद अली इस्माइल और उसका डिप्टी आतंकवादी हुसैन अहमद इस्माइल मारा गया। इसराइली फोर्स ने यह भी बताया था कि कमांडर्स के अलावा अन्य ऑपरेटिव भी मारे गए जो बुधवार को मोसाद के मुख्यालय पर मिसाइल हमला करने से जुड़े थे। इसराइल ने मिसाइल हमले को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया था, लेकिन इसका बदला हिजबुल्ला के हेडक्वार्टर पर हमला करके लिया है। नसरुल्ला का मारा जाना इसराइल के लिए क्यों है बड़ी कामयाबी? आपको बता दें, हसन नसरुल्ला से पहले हिजबुल्ला का चीफ अब्बास अल मुसावी था। मुसावी को भी इसराइल ने 1992 में एक एयर स्ट्राइक में मार डाला था, जिसके बाद सत्ता हसन नसरुल्ला को मिली थी। अब नसरुल्ला का मारा जाना इसराइली सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 1 साल से गाजा का युद्ध चल रहा है। इसराइली पीएम जो मानकर चल रहे थे कि ये युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, वो 1 साल से ज्यादा समय से चलता रहा। ऐसे में हिजबुल्ला चीफ को मारकर वो अपनी पब्लिक को एक बड़ी कामयाबी के रूप में दिखा सकता है। इसके अलावा वो बार बार कहता रहा है कि इसराइल हिजबुल्ला से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो उत्तरी इसराइल के लोगों को उनके घरों में वापस भेजना चाहते हैं।